अरे नहीं, देखो ये देखो, ये हो गया जीटी में तेल खत्म, क्योंकि छोटा टैंक है इसका शायद। गोडरेज क्रैश हो गया भाई, मार दिया अंकल ने। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नथिंग व्लॉग्स। तो यार आज हम जा रहे हैं शाम को एक मस्त इवनिंग राइड पे आर्यन के साथ, वहां पे हम शायद रील्स भी बनाएंगे अपने इंस्टाग्राम के लिए, प्रॉबेबली बनाएंगे ही। तो प्लीज यार मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, वहां पे बहुत सही सही रील्स अपलोड होने वाली हैं कुछ आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे मैं आपको वहां पे चैनल का नाम बता दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, वहां पे मस्त जाके फॉलो करो। और निकलते हैं घर से, आर्यन के साथ जीटी है, एक अच्छी सी ड्रैग रेस लगाते हैं, इसमें आपको जीटी की एवरेज भी लगेगी, पता कि जीटी कितनी एवरेज दे रही है। देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम रहता है। तो चलिए यार करते हैं स्लॉग को स्टार्ट। तो चलो यार आर्यन आने वाला है, तो बाइक अपनी सेट है यहाँ पे, माउंट अपना सेट है, करते हैं छोटी सी एक इवनिंग राइड, एक बनाते हैं अच्छा सा मोटो ब्लॉग, वो आएगा वहाँ पे, एक अच्छी सी रील्स वगैरह बनाएंगे इंस्टा पे। तो वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, रथिन ब्लॉग्स के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी जाके अच्छे से फॉलो बटन दबा दो। तो चलो यार निकलते हैं घर से, मिलते हैं आर्यन से। तो चलो यार निकलते हैं हम घर से, बाय दादू। तो यार हमने ना एक्चुअली थोड़ा पास ही सोचा है कि एक राइड वगैरह का, तो राइड भी क्या, हम सोच रहे हैं कि एक अच्छी सी रील्स वगैरह बनाते हैं, तो देखते हैं कि क्या बनता है, कैसी रील्स बनते हैं, क्योंकि दोनों हम अभी फर्स्ट नूब ही हैं, हम अभी यूट्यूब पे जिसको बोलते हैं बॉट नूब। तो यार आर्यन को मैंने कहा था कि रील्स वगैरह बनाएंगे इंस्टा पे, उसने भी रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो उसको भी थोड़ा कंटेंट चाहिए। तो हमारे मेरे पास में यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, एस मोड बोलते हैं हम उसको, तो वहाँ पे हम देखते हैं अच्छी सी रील्स अगर बन सके तो, कितनी अच्छी अच्छी क्या बना, मतलब क्या बना पाते हैं वहाँ पे, देखते हैं। और बाकी तो आर्यन आ ही रहा है, वो बेचारा बड़ी दूर से आ रहा है यार, पर निकल गया 10 मिनट में पहुँच गया शायद, वो उसने कहा था मैं निकल रहा हूँ और 10 मिनट में वो आ गया था। 90 चल गई अभी, मेरे को ख्याल से बहुत कम एवरेज दे दिया, डर सा ही लग रहा है, सिर्फ 2 पॉइंट्स दिखा रही है और सिर्फ 90 किलोमीटर चली है फुल टैंक में। तो देखते हैं कि कितनी एवरेज दे रही है ये, क्या बात है यार। आप ब्रेकिंग देखो यार, कितनी प्यारी ब्रेकिंग है, जस्ट एक क्लिक किया मैंने आगे वाली ब्रेक को ना और फटाफट रुक गई। बहुत सही यार, बहुत सही, काफी। ओए देखो रोड रेज क्रैश हो गया भाई, मार दिया अंकल ने। लड़ाई कर लो यार, पीछे जाम लगा रहे हो तुम लोग, ऐसे ही देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है अपने जानीपुर एरिया का, न्यू प्लॉट एरिया का, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। और मैं बाइक को लेके यहाँ पे पहली बार आ रही है, हम आ गए अपने आप शंभू मंदिर, बोलो जय बोल दे जय हो। तो यहाँ पे आगे करते हैं आर्यन का वेट। तो यार ये आ गया आर्यन, इसने अपने गुड़सेवक में लगाए हुए हैं उसके, आर्यन आवाज़ सुनाना सबको विद डीबी किलर, ये देखो ये है गुड़सेवक की आवाज़, थ्रॉटल देना, ये है जीरो आवाज़ बिल्कुल उसके साथ, और ये अपनी स्टॉक आवाज़, चल भाई। और डीबी किलर के साथ तो ऐसे नाम की आती है गुड़सेवक की आवाज़, तो बट पुलिस भी बहुत होती है तो बच के रहना पड़ता है। अभी देखो ना कितना प्यारा एरिया यहाँ पे, ये क्या आर्यन आप एरिया देखो कितना प्यारा है यार, वाकई यार एरिया देखो यार, रास्ता पता नहीं यही था शायद। ये हरा दिया आज, हरा दिया साले को, हरा दिया आज, ओ हरा दिया आज, क्या लुक आ रही है यार बाइक की, क्या बात है। ये जो बैक फायर दे रही है ना गुरसेवक, इतना प्यारे आ रहे हैं ना बैक फायर, कुत्ता ओए कुत्ता लग गया था पीछे तेरे, इसकी वजह से लगता है पीछे कुत्ता इतनी आभारी बात है, उस दिन भी कुत्ता मैं इतनी तेज चला रहा था, आ गया था भोंगते हुए साइड से। अरे ये आ गए थे हमने एस मोड, आप यहाँ से व्यू देखो पूरे जम्मू सिटी का, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और इसको एस मोड इसलिए बोलते हैं। और ये आ रही नहीं है, देखो ये देखो, ये हो गया जीटी में तेल खत्म, क्योंकि छोटा टैंक है इसका,
तो इसने एक लीटर तेल डाला है। तो यार इसको एस मोड इसलिए देखते हैं क्योंकि वो आप नीचे मोड देख सकते हो और ये वाला मोड देख सकते हो, तो एक एस की फॉर्म में इस जगह को एस मोड भी हम बोलते हैं। तो चलो यार अच्छी सी एक रील्स बनाते हैं और फिर निकलेंगे हम घर के लिए। तो यार आर्यन और मेरी बाइक लगी हुई है मस्त, तो हम अच्छा सा एक फोटो शूट कर रहे थे और साथ में हमने बहुत सी रील्स भी बनाई हैं। तो इंस्टाग्राम पे मेरा जो पेज है रथिन ब्लॉग्स, वहाँ पे जाके ना फटाफट से फॉलो कर दो, ताकि अगर वो रील्स है बहुत सही सही रील्स बनी है, आप उसको रील्स को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, बहुत एंटरटेनिंग रील्स हैं। तो वहाँ पे जाके फटाफट से फॉलो कर दो और आगे हम इसको ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, और थोड़ी और से हम एक आपको अच्छे से अच्छे शॉट्स दिखाते हैं अपनी अपनी बाइक्स के। फन बाइट चलते हैं, खाते पीते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, काफ़ी देर से निकले हुए हैं घर से बाहर। अब आता है यार यार इसके एग्जॉस्ट को इतने ज़्यादा रिएक्शन मिलते हैं ना, पर किसी दिन अगर पुलिस से रिएक्शन मिल गया ना इसको इसको बहुत मज़ा आने वाला है। क्या बात है, बुद्धू बनाया। मेरा पहले तीसरा गियर था, वो मां पहले पे था, कहता टू टू, वो देखना मेरा पहले तीसरा गियर था। मेरे को पता कि मेरे को थोड़ी पता था कि क्या बोल रहा है, मैं गया पास कहता टल टल मैं चल, मेरा पहले तीसरा गियर था। इसने मरोना है, इसने मरोना है, क्या बात है। तो यार ये हम पहुंच गए फन बाइट से, आ गया आर्यन, तो मस्त खाते हैं और करते हैं व्लॉग को आगे कंटिन्यू। तो यार हम आए थे फन बाइट, हमने खा लिया अपना सारा खाना पुना पेट भर के, अब निकलते हैं घर के लिए। सारा है मेरे को वो, चलो यार निकलते हैं घर के लिए, करते हैं इस व्लॉग को एंड। होप तो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंटरसेप्टर की माइलेज पे होगी। तो यार चलिए निकलते हैं घर के लिए।